कल रसल का वीडियो मैंने डाला, इसके वजह से कॉपीराइट डाल दिया गया है, तो उसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं वीडियो शो करेगा। अम्मी तो अभी किचन में काम चल रहा है, और किचन है क्या, मशीन का काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा ख़राब होता है ये मशीन, बहुत बार चेंज हो चुका है सर, बहुत बार चेंज हो गया। फिर बात बोला केमिकल, ये टेस्ट आपका टेस्ट, अपना टेस्ट लेगा, मतलब मिल रहा नहीं रहेगा, मेरा पानी में कुछ रहेगा नहीं, तो हम टेस्ट लेगा करेंगे। सही बात, एक तरीका है लिक्विड पी रहे लोग, पानी अपना प्यास बुझा रहे, सब बोल रहे हैं। हाँ कोई फायदा नहीं है पानी पी के, नमाज पढ़ने के लिए असर का, उसके बाद जाना मार्केट, क्योंकि आज मेरी बहन जो एक आखिरी बहन का जिसका कमर बच चुका था उनका लेकर के आना है, उसके बाद हम लोग का भी अगर कुछ समझ में आया तो वो भी ले लूंगा मैं आज, तो चलते हैं हम लोग पहले नमाज पढ़ लेते जल्दी से, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। एंड अभी मैं इसलिए इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि सुबह से काम चल रहा था घर में, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना आप लोग। सो गाइस, तो सबके पास आ चुके हैं एंड अभी मोइन भाई क्या देख रहे हैं, ब्लॉग। सो गाइस, तो मस्जिद की तरफ आ चुके हैं, चलते हैं नमाज पढ़ने के पहले। सो गाइस, तो अलहमदिल्ला नमाज हो रही है और मैं मस्जिद में दूसरे का स्लो बोल रहा हूँ, तो फादर कुरान की तिलावत कर लेते हैं। सो तो कुरान की तिलावत हो चुकी है एंड अब चलते हैं घर। सो गाइस, तो अलहमदिल्ला नमाज हो चुकी है एंड अब चलते हैं शॉप पहले, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है हम लोग को, क्योंकि इफ्तारी बाद ही आज कहीं जाएंगे, अगर मार्केटिंग करने गए तो इफ्तारी से पहले कहाँ क्या करना है वो देख लेते हैं हम लोग। बत्ती है, गोली क्यों खिला हो तुम लोग, गोली देखी लोग का भाई, आज पंजाबी में माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही है, क्या लाने जा रहे हैं बताइए, रुकिए दो चीनी ला रहे हैं, लेके आइए आप। सो गाइस, तो घर आ चुके हैं हम लोग। हाँ, इतना गर्मी है ना कि मन कर रहा है फ्रिज खोल के बस ऐसे खड़े रहे, ऐसी कैसा हवा खाए, हमको तो लगा था कि बस यही है, पास संडे है तो आज ज़्यादा होना चाहिए भाई, इसीलिए मेरी बहन पहले से ही बाहर से लेकर आ चुकी है, इसलिए मम्मी आज ज़्यादा बना ही नहीं है, है ना अम्मी। चलो आज मज़ा आया खाने में, अभी अब ठीक नहीं है कल तो वीडियो में बोले थे कि आपको फीवर है, दुआ करेंगे आप सब मेरी अम्मी के लिए। टाइम हो चुका है, बस थोड़ा सा देर बाकी है और जो काम बचा हुआ वो काम कर लेते पहले हम लोग। क्या बनाया आप, ये रहा। क्या बनाया आप, अरे वो समय बनाई हूँ अभी आ करके, सरिया सहमा बोल रही है, हम बनाए हैं। हाँ, ये बनाई हूँ। कौन बनाया तूने, तुम बता दो। अरे तुम बताओ, क्या झूठ बोल देंगे तो बात हो जाएगी, रोजा रखे सबर रोजा लिखी भी है, इसे तो बोल रही रोजा नहीं रहेंगे तो झूठ बोलेंगे, बोले हमने बनाया से कुछ हम कर दिए, बस छान दिए चीनी लेके आ गए, क्या बोल रहे, चीनी मिला। हाँ, चीनी मिला। तो तारी हो चुकी है, मोइन चलो नमाज पढ़ रहे भाई, टाइम हो चुका है नमाज का, अभी भी आप खाइएगा मोइन, अरे जगह बना रहा हिल करके मोइन, चलो अभी भी तरबूज खा रहा भाई, चल भाई घर ना खाएगा सेम है, घर नहीं सॉरी, चलो भाई मस्जिद चलो भाई नमाज पढ़ने। तो गाइस, इफ्तारी हो चुकी है एंड अब चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। सो गाइस, तो नमाज हो चुकी है एंड अब चलते हैं घर, और घर में ही जाके रेस्ट करना पड़ेगा यार, मतलब क्या बताए, इफ्तारी बाद मीठा खाना जो है ना बहुत भारी पड़ जाता है। तो मैं घर आ चुका हूँ एंड यार आज तो गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, सिर्फ मस्जिद से घर तक आने में इतना हालत खराब। सो गाइस, तो आज के वीडियो में कॉपीराइट आ गया है, तो फिर कॉपीराइट मेरे को हटाना पड़ेगा, ये रहा कॉपीराइट का सी डिटेल्स, कल रसल का वीडियो मैंने डाला, इसके वजह से कॉपीराइट डाल दिया गया है, तो उसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं वीडियो शो करेगा। मैं खुद परेशान था क्यों ऐसा हुआ, देख रहे हो यार 5-17 से लेकर सिर्फ 10 सेकंड का वीडियो है जिसमें कॉपीराइट आया, वो मेरे को हटाना पड़ेगा, ट्रिम आउट सेगमेंट। वो सीन कट गया, कंटिन्यू 5:17 से 5:27 वीडियो डिलीट, आप भी सीख लो कभी कॉपीराइट आया तो आप भी हटा देना। और ये प्रोसेसिंग में कम से कम ये आधा एक घंटा प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद वापस से मैं वीडियो शो करेगा। आज के वीडियो में कॉपीराइट आ गया था तो मैंने कॉपीराइट हटा दिया है, अभी प्रोसेसिंग हो रहा है और ब्लॉक है, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से ब्लॉक कर दिया गया है स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से, प्रोसेसिंग हट जाएगा उसके बाद मैं वीडियो वापस से शो करना शुरू कर देगा। चलते हैं अभी शॉप, सोने की वजह से माइंड पूरा हल्का हो गया है, और फहीम पर बदल खोले खड़ा हुआ तो उसका मैं शॉट ले नहीं सकता, तो फहीम जल्दी से कपड़ा पहने चल देखो ना, हम खाना खा के आएंगे, क्या कर रहा खाना खा के आएंगे, बदमाशी है।
सो गाइस, तो आज सब कदर की रात है, इसलिए आज कहीं जाना मुमकिन नहीं हुआ, इसलिए मैं न्यू मार्केट भी नहीं गया, खुद की शॉपिंग भी नहीं की अब तक। तो देखते हैं अभी क्या करना है, रात का लगभग 11 बज चुका है। अरे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। इसी जगह पे सुकून थोड़ा मिला वो भी हावड़ा पे, हावड़ा ब्रिज से जो आए हैं उसी पे, बाकी सब जगह वही हाल गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी है बोले तो, इसलिए बोले अच्छा कलकत्ता नहीं गया, वरना हालत पक्का खराब हो जाता आपका। कुछ देर में ही आप सभी कदर की मतलब नमाज होने वाली है, तो उससे पहले मैं कुछ खा लेते हैं। आई एम द फर्स्ट पर्सन जो ट्राउजर के ऊपर पंजाबी पहन के जा रहा नमाज पढ़ने के लिए। नमाज का टाइम हो चुका है, तो चलते डायरेक्ट मस्जिद, और उसके बाद आज तो पूरा वीडियो अच्छे से बना नहीं है, तो इंशाल्लाह हो सकता है सभी कदर है तो वहीं वीडियो अच्छे से बनाऊँगा, क्योंकि आज गर्मी इतना था तो कहीं जाने का मतलब प्लान जितना ही हुआ ना सब कुछ कैंसिल। पहले न्यू मार्केट जाने वाले थे, मेरी बहन गई हुई थी स्कूल, कॉलेज गई हुई थी, स्कूल गई हुई थी, अब बोला कॉलेज से निकाल के तो स्कूल भेज दिया गया होगा, फेलर है ना, फेलर है ना, इसीलिए। तो चलते हैं अब पहले नमाज पढ़ने, गर्मी की वजह से किसी को कहीं जाने का मन नहीं किया, तो मैं तो इंट्रो में बोला था कि न्यू मार्केट जाने वाले, तो उसको इग्नोर कर देना पहले ही, और अब चले नमाज पढ़ने। सो गाइस, तो पहुँच चुके हैं इधर दरसे कुरान यानी हमारी मस्जिद। सो गाइस, तो वजह तो हो गई है, एंड एक एडिशनली मैं आपको बता देता हूँ बेनिफिट्स, कि जब भी आप मस्जिद जाए तो दो रकात नफिल नमाज पढ़ कर ही बैठें, और उसके बाद बैठना ही नहीं है आपको, अल्लाह का जिक्र करना है या फिर कुरान की तिलावत करनी है, पर दो रकात नफिल नमाज ज़रूर पढ़ें उसके बाद ही बैठें, उससे पहले बैठना अलाउड नहीं है मस्जिद में, ये हमेशा याद रखें आप लोग। तो टाइम लगभग 12:30 बजने वाला है, एंड अभी थोड़ी देर में दर्स शुरू होगा, तो दर्स का इंतजार करते हैं। तो दर्स शुरू होने वाला है, तैयारी हो चुकी है, माइक ऑन हो चुका है, साफ होना चाहिए। हमने मूसा के साथ और तस्लीम ने जब एक आदमी को वाद किया कुरान मजीद में कि हम वहां ले जाऊंगा जी भाई, हमने आदमी को दोनों रास्ते नहीं करा दिए, ये रास्ता चलोगे तो गुमराही में जाओगे और ये रास्ता जाओगे तो अल्लाह की तरफ जाओगे। नमाज हो गई है, एक बजे से नमाज शुरू हुई थी और 2:40 में ख़त्म हुई है, चलते हैं घर, सही कर लेते हैं। इधर सुन, इधर सुन, उठाया कौन इसको, ठीक है, पहले चलिए उठाइए उसको, पहले इसको उठाइए आप, उठाओ इसको, हेल्प चाहिए तो बोलना, ठीक है, सही करो, सही कर पकड़, मैंने हेल्प कर दिया, हो गया। तो कैसे ड्राइंग है ये, मतलब ये क्या बताना चाह रही है ड्राइंग के जरिए? फार्मर है। पूरी नहीं खाएगा है ना? हाँ। तो पैसा कैसे ले रहा? हाँ? कौन ना? पैसा क्यों ले रहा? ये रहा आज का सेरी, दूध, ब्रेड, और ये रहा ब्रेड से ज़्यादा टेस्टी है, खाना शुरू करते हैं। तू तो पता है पूरी नहीं खाएंगे, हम तो ले किए हैं, तुम लोग खाओ, भुक्कर ने तो कितना खाता, फट जाएगा एक दिन, सब फट जाएगा, दो सोचे नहीं छोड़ेंगे फिर, ठीक है अब खत्म कर दे रहे हम लोग को। सो गाइस, तो फहीम में खाना शुरू हो गया है, खाना नहीं खाया, फहीम खाना शुरू, फहीम पूरी नहीं खाएगा ना, कहाँ नहीं खाएंगे, अब ये ना वॉइस, तेरा वॉइस कनेक्ट करेंगे, फट जाएगा, ठीक है फट जाएगा तेरे। सो गाइस, जो जिस समय फहीम खाना शुरू किया उस समय बोला था कि पूरी नहीं खाएंगे, कुछ भी हो जाए, आज पेट भरा हुआ है, एंड माशाल्लाह सबसे आखिरी तक फहीम ही खा रहा है, आप लोग दुआ करें कि फहीम और अच्छा से खाए, जब तक ये बाहर का नहीं खाएगा तब तक इसको हजम नहीं होगा। वाह वाह वाह, क्या बात बोलते हैं, माशाल्लाह, हर घर में ही आवाज जाना चाहिए, आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा। कैसे हंसा, खाएगा वापस खाया तो वैसी जैसे खाया था छुप करके, एक मिनट के अम्मी गायब हो गया। सो गाइस, तो इफ्तारी खत्म हो चुकी है, चल फहीम अब चलते हैं नमाज पढ़ने। सो गाइस, तो इफ्तारी हो चुकी है एंड अब चलते हैं फजर का नमाज पढ़ने के लिए, एंड अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो कैमरा में देखना पॉसिबल तो नहीं हो पा रहा क्योंकि लाइट डायरेक्ट आँख में लग रहा है मेरे को, अभी नहीं दिखाना चाहिए था, सरप्राइज रहता है ईद में, नहीं ये तो हम दिखाएंगे, जरूरी थोड़ी नहीं यार, तो ले किए हैं, तुम लोग खाओ, भुक्कर ने तो कितना खाता, फट जाएगा एक दिन, सब फट जाएगा। बैठने वाला फहीम, फहीम
सो गाइस, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कौन सा पार्ट आपको पसंद आया हो। एंड हाँ, ऑसम प्रैंक टीपी अगर सब्सक्राइब कर देना, एंड उसमें भी कमेंट जरूर करना कौन सा प्रैंक आपको पसंद आया हो। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज सबे कदर की रात थी जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि जहाँ जाने का प्लान था सिर्फ सबे कदर की रात की वजह से मैं नहीं गया, क्योंकि थक जाता तो यार इबादत नहीं हो पाती। और आज का दिन इबादत का दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि ना जा करके आज सिर्फ इबादत किया जाए। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू। Change up.